दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार बल्लेबाज मानते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी सही सलामत केप टाउन पहुंच चुके हैं, जहां वो अफ्रीकी टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए काफी खतरनाक रूप से प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक शानदार 20 ओवर का इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला है, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इस इंट्रा स्क्वाड मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत और केएल राहुल में से आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस सीरीज में हुए दो मैचों में सीरीज 1-1 से बराबरी हो गई है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने बड़े ही शानदार तरीके से जीता, तो वहीं दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और अब ये तीसरा और निर्णायक मुकाबले में खेलने के लिए तैयार है, जहां वो टेस्ट सीरीज जीतने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी इसी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आपस में दो टीमें बनाकर एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला, जिसमें एक टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालते नजर आए, तो वहीं दूसरी टीम की कप्तानी भारतीय टीम के शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ने संभाली। विराट कोहली की टीम में मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर जैसे धुआंधार बल्लेबाजों के साथ साथ आर अश्विन, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज जैसे खतरनाक गेंदबाज थे। तो वहीं ऋषभ पंत की टीम में केएल राहुल, रिद्धिमान साहा और हनुमा विहारी जैसे खतरनाक बल्लेबाज समेत जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज भी थे। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम की ओर से गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई, जिन्होंने पहले ही ओवर में कोहली की टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मयंक अग्रवाल और अजिंक्य रहाणे को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद खुद कप्तान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी दिखाते हुए शुरुआती ओवर को काफी डिफेंस करते हुए खेला, जिसकी वजह से विराट की टीम शुरुआती 6 ओवर में मात्र 20 रन ही बना सकी। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर डालने के लिए ऋषभ पंत ने शार्दुल ठाकुर को बुलाया, तो कप्तान विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए उनके इस ओवर से 24 रन निकाल लिए। उन्होंने शुरुआती 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ा और उसके बाद चौथी गेंद पर भागकर 2 रन देकर 5 विकेट पर एक और छक्का जड़ दिया, जिसके बाद दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलते हुए बाउंड्री स्कोर करने का प्रयास किया और उनका यह प्रयास काफी हद तक सफल भी होता नजर आया, जिसकी बदौलत 10 ओवर के बाद विराट की टीम का स्कोर 85 रन पहुंच गया। इसको इतनी तेजी गति से बढ़ता देख ऋषभ पंत ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन देने वाले शार्दुल ठाकुर को वापस बुलाकर बातचीत की, जिसके बाद शार्दुल ने अपनी अगली 2 गेंदों पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि इसके बाद मैदान पर उतरे आर अश्विन और उमेश यादव ने मिलकर टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते 15 ओवर के इस मुकाबले में विराट की मात्र टीम 132 रन ही बना सकी। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंत की टीम की ओर से ओपनर केएल राहुल और खुद ऋषभ पंत ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया कि विराट कोहली की टीम के गेंदबाजों के छक्के छूट गए। अपनी पारी के दूसरे ओवर में ही केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज की गेंदों पर 4 बड़े छक्के जड़कर अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, तो वहीं तीसरा ओवर डालने आए उमेश यादव के हाथ खोलते हुए 3 छक्के और 3 चौके जड़ डाले, जिसकी वजह से मात्र 10 ओवर में ही टीम का स्कोर 90 रन पहुंच गया। और अब ऋषभ पंत की टीम को जीत के लिए 60 गेंदों में मात्र 53 रन चाहिए थे, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी करते हुए केएल राहुल को क्लीन बोल्ड करके पंत की टीम को पहला झटका दे दिया। लेकिन झटके का कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, क्योंकि राहुल के बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ने अपने बल्ले का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से किया कि पंत की टीम ने 15वें ओवर में ही 143 रन के स्कोर को हासिल कर लिया, एक शानदार जीत हासिल कर दी। दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल द्वारा की गई शानदार बल्लेबाजी के बाद कोच राहुल द्रविड़ तो दोस्तों काफी ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया था कि अब भारतीय टीम बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करते हुए जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली अपनी पिछले काफी लंबे समय से चल रही खराब प्रदर्शन को बदलने में कामयाब रहेंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।